को याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये आ गया 5। आप देखते ओरेकल में से कौन से कार्ड मिलते। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये हो गए 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद दिन भर में काफी ज्यादा मेहनत कर चुके हैं ये पर्सन। हो सकता है फैमिली लाइफ में भी कुछ लोग बिजी थे, यानी कि घर में भी बहुत ज्यादा फोकस दे रहे। हो सकता है किसी की हेल्थ से रिलेटेड बात चल रही है, या फिर जैसे न्यू ईयर है मेहमान वगैरह भी आते रहते हैं, कुछ लोगों का गेट टुगेदर वैसा भी हो सकता है, जिस वजह से काफी भाग दौड़ शायद इन्होंने दिन भर की है। और अब जैसे ये पर्सन ये हाथ में होल्ड करके थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है जो फावड़ा है उसको, तो वैसे ही शायद आपके पर्सन राइट नाउ थोड़ा सा जब रिलैक्स फील कर रहे तो कहीं ना कहीं शायद इस मेहनत के बारे में सोच रहे हैं और शायद यही पल उन्हें याद दिला रहा है आपकी, क्योंकि दिन भर में तो वो काफी ज्यादा बिजी थे। नेक्स्ट है द हैंगमैन, तो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे हम काउंट करें कि काफी ज्यादा बिजी थे वो काम में, तो शायद काम की वजह से मे बी न्यू ईयर स्टार्ट होने के बावजूद भी ये आपसे मिल नहीं पाए हैं। और अगर ऐसा है तो शायद ये अपने काम में फंसे होने के चांसेस ज्यादा है और उन्हीं काम को निपटाने के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट द हीरोफंट, तो सोच समझ के ये फैसला लेना चाहते, यानी कि अगर उनके सामने काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हो सकता है काम वगैरह भी पेंडिंग है, तो सोच समझ के उन्हें एक के बाद एक काम या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करनी है, उसी के बारे में शायद सोचा जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बात तो करनी है लेकिन थोड़े से शाय है, जैसे ये पर्सन सॉर्ट आगे कर रही है लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ऐसी कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं जो शायद बहुत रोमांटिक हो सकती है उनके नजरिए से, और ये सोच के ही वो थोड़ा सा शायद शायनेस महसूस कर रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया कि अगर इनकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली को लेके या फिर काम को लेके, तो अच्छा कार्ड है कि शायद उन्हें ये एज सुन एज पॉसिबल सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कार्ड तो आ चुका है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। लिसन माय वर्ड्स, तो जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ बात तो वो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, मतलब शायद इसकी एनर्जी में हो सकता है कुछ बोल्ड कहना चाहते हैं जिसको सोच के भी ये खुद ही थोड़ा ब्लश कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ बातें आप उनकी जुबान से सुने ये वो चाहते हैं। पेटी, तो शायद उस काम को खत्म करने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये कब पूरा होगा यही सोच रहे हैं और शायद इसीलिए वेटिंग की एनर्जी में। हर्ट विदिन, तो राइट नाउ थोड़ा सा हर्ट विदिन भी फील कर रहे हैं। हर्ट विदिन इसलिए कि मतलब शायद नए साल को लेके इन्होंने काफी कुछ सोचा था कि इस तरह से करेंगे, उस तरह से यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे खाने के लिए जाएंगे या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ वैसा नहीं हो पाया। उनके सामने काम का जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा कुछ था उसको ही सॉर्ट आउट करने में इनका वक्त चला गया और शायद इसी वजह से थोड़ा सा उन्हें हर्ट लग रहा है कि ये साल तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, हमारा मिलना तो हुआ ही नहीं। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, तो अगर आपने इन्हें न्यू ईयर का विश नहीं किया है तो ये पर्सन शायद यही सोच रहे हैं कि आप ऐसे भूल कैसे गए, क्या मतलब आप गुस्सा है या आप जानबूझ के इन्हें भूल के इस तरह से कर रहे हैं, मतलब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और
क्या है वो बात जो आप नहीं मिले हैं और आपने फिर भी उनसे नहीं कही है, तो क्या है ये जानने की शायद वो कोशिश कर रहे हैं, उसी के बारे में शायद सोच रहे हैं। आई मिस यू, तो काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको। और जैसे यहाँ पे हमने देखा कि काम में तो बिजी है, लेकिन वक्त मिलते ही, फुर्सत मिलते ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। और शायद ये स्टकनेस की एनर्जी से की वजह से हैंगमैन की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। से समथिंग, तो शायद आपके पुराने मैसेजेस पढ़ते होंगे, अगर आप दोनों का कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो उसको याद करते होंगे, और उसी बात को लेके ये शायद दिल ही दिल में आपसे कह रहे हैं कि कुछ तो बात करो, कुछ तो कहो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ फील करके इन्हें ये एनर्जी महसूस हो रही है कि एज सून एज पॉसिबल ये सब काम में निपटा के मिलना है, तो क्या वैसे आप भी फील करते हैं? क्या है आपके रियल जज्बात न्यू ईयर को लेके? आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, या फिर इस पर्सन के साथ आपने कुछ प्लान आउट किए हैं क्या? इस तरह के कई सारे सवाल शायद उनके मन में राइट नाउ आ रहे हैं, और इसीलिए वो सोच रहे हैं व्हाट आर यू थिंकिंग। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care.